भगवान शिव को कई नामों से पुकारा जाता है। वो महाकाल भी कहे जाते हैं और कालों के काल भी। शिव के सृजन का अधिपति और मृत्यु के देवता भी माने जाते हैं। शिव शरीर के प्राण के प्रतीक माने गए हैं, इसलिए पंच देवों में उनका स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। बिना प्राण के शरीर को शव कहा जाता है। प्राण ही उसे जीवित यानी शिव बनाते हैं। शिव प्रकृति के देवता हैं, उनके पूजन और श्रृंगार में उपयोग होने वाली सारी सामग्रियां भी पूरे रूप से प्रकृति का हिस्सा होती हैं। पंचतत्वों में शिव को वायु का अधिपति भी माना गया है। वायु जब तक शरीर में चलती है, प्रेम से चलती है, तब तक शरीर में प्राण भी बने रहते हैं। ये हमारा सृजन करती है, लेकिन जब वायु क्रोधित होती है तो विनाश का प्रतीक बन जाती है और तब इन्हें महाकाल के रूप में देखा जाता है। आम तौर पर लोग महाकाल के नाम से बहुत ही ज़्यादा सहम उठते हैं, क्योंकि अधिकतर समय ये क्रोध में ही रहते हैं। लेकिन इस नवरात्रि में ऐसा शुभ संयोग बन रहा है जब महाकाल खुद कुछ राशियों पर अपनी कृपा दृष्टि डालने वाले हैं, जिससे कि इन राशियों के जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें कि महाकाल ऐसी कुछ राशियों के व्यक्तियों पर खुश होने वाले हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है और इनको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। ये अपने कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन सी हैं वो राशियाँ। पहला सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर महाकाल की कृपा दृष्टि से इस नवरात्रि में इस राशि के व्यक्ति अपने आने वाले समय में अपार सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन आपको अपने गुस्से पर काबू रखने की आवश्यकता है। अगर आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रखेंगे तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों से बच सकते हैं। आपका आने वाला समय बहुत ही खुशहाली पूर्वक भी व्यतीत होगा और आपको लाभ भी मिलने के योग नजर आ रहे हैं। दूसरा कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर महाकाल की कृपा दृष्टि से इनके जीवन में आने वाली सभी बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। सफलता के नए अवसर प्राप्त होंगे। आप इन अवसरों का लाभ जरूर उठाइए और समय के साथ साथ आपके जीवन में भी नए बदलाव आते रहेंगे। जो व्यक्ति विद्यार्थी हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। तीसरा मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर महाकाल की कृपा दृष्टि बनी हुई है, जिसकी वजह से इनको अचानक धन लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं, जिसकी वजह से इनका मन प्रसन्न होगा। शासन सत्ता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। घर परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनेगी। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। चौथा तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों का भाग्य इनके साथ है और इनका हर काम भी सफल होगा। हो सकता है कि आपकी अचानक किसी से मुलाकात रिश्ते में भी बदल सकती है। वहीं कारोबारियों को अच्छा खासा लाभ होने वाला है और तो और दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आएंगी। नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों को अपने क्षेत्र में उन्नति मिलेगी। महाकाल की कृपा दृष्टि से आपके व्यापार में भी लाभ प्राप्त होगा। पांचवा धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों पर महाकाल की कृपा बन रही है, जिससे कि इनके आय में वृद्धि होने की संभावना है। हो सकता है कि इस बीच आपको समाज में मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, आपको किसी से उपहार भी मिल सकता है। शासन सत्ता का पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से विनीत राय की रिपोर्ट।